हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एस के राइटिंग ब्लॉग में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आपका अपना शुभम। और आज दोस्तों संडे है, और आज का संडे हम लोग जो है बाहर कहीं भी जाएंगे चलकर। एक जगह है, काफ़ी फेमस प्लेस है वहाँ का, डोलबाहा जिसका नाम है। काफ़ी खूबसूरत अच्छी जगह है, हिमाचल और पंजाब के बॉर्डर के बीच में ही है वो। तो आज हम वहीं चलेंगे। तो चलिए ज़्यादा बात नहीं करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और रेडी होते हैं, और मैं आपको मिलता हूँ बाइक। फिर भी बहुत ठंड पड़ रही है। तो ये भाई साहब आगे नहीं जाने दे रहे हमें। बहुत छोटा कर गया, पहले जा रहे नहीं नहीं दूजे से आ पहले तो चल 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 सीधा ही सीधा ही जा सीधा ही ये रहा एंजल फॉर। ये देखिए आप लोग पहाड़, अभी यहाँ पर गाड़ी खड़ी होगी इतनी सारी, गंदो 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 गंदो। और यहाँ पर अच्छे चार तो आ गए, दो भी अच्छे चार आ गए। चुके हैं आप देख सकते हैं मेरे पीछे। सुबह से गाड़ी चला चला के हालत खराब हो चुकी है पूरी इसमें। ओह क्या बात है भाई, सामने का व्यू मैं आपको क्या बताऊं, बहुत ही अच्छा व्यू आ रहा है सामने का। ओए होए होए होए, गजब भाई गजब गजब गजब। चंदन जी कैसा लग रहा है सामने का नजारा? बहुत अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है घूमने का। बहुत ठंड में इतनी फटी है, लेकिन यहाँ पर उसका पैसा वसूल हो चुका है पूरा। क्यों सही है कि नहीं? सही है ना। हाँ क्या बात है भाई, क्या बात है। तो दोस्तों इतना दूर का सफर जो यहाँ अमृतसर से डोलबाहा तक का था, हमारे लिए सफल रहा। हालांकि रास्ते में बहुत ही ठंड थी, मतलब कि फॉग हो रखा था। आप लोगों ने देखा ही है वीडियो में। तो हमें तो लगा कि हम लोग यहाँ पर आएंगे और हमारी किस्मत ख़राब होगी शायद, क्या पता यहाँ पे भी फॉग हो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। आप देख सकते हैं अच्छी 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 खासी धूप खिली हुई है। तो लीजिए पेश है आप सबके लिए ब्यूटीफुल अमेजिंग, क्या बात है क्या बात है। ये है डैम लेक, देखिए आप चारों तरफ पानी पानी है, कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पर। एकदम मतलब कि पूरी मुंबई वाली फीलिंग इस समय आ रही है पूरी। ये देखिए आप लोग, पूरी मुंबई वाली फीलिंग आ रही है। ओ ध्यान से ध्यान से ध्यान से, पूरी मुंबई वाली फीलिंग आ रही है। समुंदर ता चंदन जी क्यों चंदन मजा आया?
देखिए आप सभी लोग कितना प्यारा व्यू है यहाँ का, बैक कैमरे से दिखाते हैं एक बार। दोस्तों अभी हम लोग नीचे जा रहे हैं, तो यहाँ पर आप देखिए ये रास्ता है नीचे जाने के लिए, पानी को टच करने के लिए। ये देखिए मैं आपको बैक करके दिखाता हूँ, तो फ्रेंड्स आपने देख ही लिया है मेरे पीछे, बहुत ही अच्छी जगह है ये, गर्मियों में आए टाइम स्पेंड करें और भाग जाएं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। तो दोस्तों मैं तो कहता हूँ आप सब लोग भी एक बार ज़रूर आइएगा यहाँ पर, बहुत ही अच्छी जगह है, आप देख ही सकते हैं मेरे पीछे, देखिए आप ज़रूर आएँ एक बार यहाँ पर, टाइम स्पेंड करें अपनी फैमिली के साथ, आएँ अपने दोस्तों के साथ, आएँ, बहुत अच्छी जगह है, तो आइएगा ज़रूर। जो जो भी आना चाहता है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं ज़रूर। चलिए तब तक के बाय बाय और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों अभी हम डैम से निकल चुके हैं और थोड़ा सा आगे जाएंगे घूमने के लिए, मजा आएगा। ये हो गया पहाड़ी रोड स्टार्ट, आप देख सकते हैं आनंद आ रहा है यहाँ पे, हाँ लैंडस्लाइड हुआ यहाँ पे। थोड़ा ये ज़्यादा नहीं गा, मतलब है वा इन्ना नहीं, ये नहीं गल है।